महाराज शमी के पांच पत्ते, बेलपत्री के पांच पत्ते, बेर के पांच पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के पांच पत्ते, बेर के पांच पत्ते और बेलपत्री के पांच पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही एक लोटा जल समर्पित कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से पांचों बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला, उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार सुधार कर जाओ, जितना तुम समझाओगे ये उतना बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा, तो ये क्रोध को संयमित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर पांचों पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई, ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है, शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाता है। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा। मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं, हर हर महादेव। श्रावण महीने में जो बुधवार की अष्टमी परे उन पर रोग मुक्ति के लिए पांच बेल पत्र, पांच शमी पत्र, पांच बेर के पत्ते का महा उपाय। तुम ये क्या कर रहे हो? आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए कि मत जा, मत कर, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया है, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के पांच पत्ते, बेलपत्री के पांच पत्ते, बेर के पांच पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के पांच पत्ते, बेर के पांच पत्ते और बेलपत्री के पांच पत्ते। महाराज श्रावण महीने की
दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही एक लोटा जल समर्पित कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से पांचों बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला, उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार सुधार कर जा, जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे, तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा, तो ये क्रोध को संयमित कर। अवधूतेश्वर महादेव, अब अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर पांचों पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। बुधवार की अष्टमी पर यह उपाय अवश्य करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के अचूक उपाय।